हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बीस्ट। आज डिस्कस करेंगे व्हाई इज आईफोन 13 द बेस्ट फोन ऑफ 2022। एप्पल इवेंट इज कमिंग एंड आईफोन 14 आने ही वाला है, फिर भी आईफोन 13 द बेस्ट फोन ऑफ 2022 क्यों है वो डिस्कस करते हैं। ये फोन लॉन्च हुआ था 14 सितंबर 2021 एंड अब आईफोन 14 आएगा 7th ऑफ सितंबर को। जैसे लास्ट ईयर आईफोन 13 लॉन्च हुआ था तो आईफोन 12 सेल के अंदर आया था, जिसका प्राइस अराउंड 46 से लेकर के 50,000 के बीच में था। सो हम सेम ही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार भी। जैसे आईफोन 14 आने ही वाला है 7th ऑफ सितंबर को, तो उसके बाद सेल आई है अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल एंड फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल। सो आईफोन 13 का भी सेम प्राइस आएगा एंड एप्पल इवेंट इज अराउंड द कॉर्नर, तो आईफोन 14 आएगा एंड इस बार मेड इन इंडिया आईफोन 14 भी आएगा। अगर आपने उसकी वीडियो देखनी है तो आपको मिल जाएगी वो डिस्क्रिप्शन में। एंड इस बार मिनी सीरीज को एप्पल डिसकंटिन्यू कर देगा, एप्पल मिनी सीरीज को कंटिन्यू नहीं रखेगा क्योंकि उसकी सेल्स ही बहुत कम हुई है। आईफोन 12 मिनी की बात करें, आईफोन 13 मिनी की बात करें, इस बार 14 मैक्स आएगा जिसका साइज 14 प्रो मैक्स के जितना ही होगा, बट जो उसके स्पेक्स होंगे वो आईफोन 14 जैसे ही होंगे। एंड इस बार नॉचलेस आईफोन 14 नहीं आएगा, ये बात तो कन्फर्म है। एंड एज पर द न्यूज अगर मैं आपको बोलूँ तो आईफोन 14 सेम नॉच के साथ आएगा आईफोन 13 जैसा, तो आप उसको बाई करोगे एंड उसमें जो चिप आएगी वो A15 बायोनिक चिप आएगी, फिर भी आप उसको बाई करोगे। एंड आईफोन 14 सेम टू सेम आईफोन 13 का रिप्लिका होगा, फिर भी आप उसको बाई करोगे आईफोन 14 को। जो आपको नॉच साइज डिक्रीज हुआ मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रो सीरीज में, आईफोन 14 प्रो में, बट उसका प्राइस तो 1 लाख के अराउंड आएगा इंडियन रुपीज में अगर हम बात करें तो। अगर कुछ चेंजेस की बात करें तो आईफोन 13 एंड आईफोन 14 में, तो ऐसी खबरें हैं कि आईफोन 13 में जो 4GB की रैम आती है वो एप्पल इस बार इंक्रीज करेगा आईफोन 14 में एंड उसकी रैम हो जाएगी इस बार 6GB। एंड अगर सेम चिपसेट आता है आईफोन 14 का आईफोन 13 की तरह, तो थोड़े से बस इम्प्रूवमेंट्स होंगी ऑप्टिमाइजेशन में, अदरवाइज हमें पता है आईफोन 13 कितना स्मूथ वर्क करता है। कैमराज में भी माइनर सा अपग्रेड होगा अल्ट्रा वाइड लेंस में एंड थोड़ी क्लैरिटी में, ऑटो फोकस में एंड सेल्फी कैमरा में, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें सेम रह सकती हैं। और एक अपग्रेड और हो सकता है वाईफाई कनेक्टिविटी में, जो कि एक्सपेक्टेड है। इन सब अपग्रेड से कोई भी कन्विंस नहीं होगा आईफोन 14 लेने के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो आईफोन 14 का प्राइस होगा 80,000 के आसपास एंड वही बात करें आईफोन 13 की तो सेल में उसका प्राइस जाएगा लेस देन 50,000, तो 30,000 का तो सीधा सीधा डिफरेंस होगा। अगर हम 30,000 के डिफरेंस की बात करें तो आईफोन 13 50,000 के आसपास आपको मिलेगा, इवन लेस देन 50,000 ही मिलेगा सेल प्राइस के अंदर। सो वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो जाएगा, एज आईफोन 13 के कैमराज आर रियली सुपर्ब, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है एंड एक मॉडर्न लुकिंग आईफोन है। एंड अगर आईफोन 14 सेम टू सेम डायगनल कैमराज के साथ आता है तो डिफरेंस हमें क्या ही पता लगेगा, क्योंकि आईफोन 14 भी फ्लैट एजेस के साथ ही आएगा एंड हो सकता है जो आपका केस है आईफोन 13 का वही आईफोन 14 के ऊपर फिट हो जाए, बट एप्पल कहीं ना कहीं प्लेसिंग चेंज कर सकता है की बटन्स की, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स या फिर पावर बटन्स की प्लेसिंग, सो दैट आईफोन 14 के लिए कोई नया केस ही एप्पल इंट्रोड्यूस करे, दिस इज ऑल्सो एन पॉसिबिलिटी। आईफोन 13 के कैमरास बहुत बड़ी हाईलाइट थे जब वो फ़ोन लॉन्च हुआ था। आईफोन 13 के कैमरास की बात मैं क्या ही करूं, आप इस वीडियो एंड कैमरा से पता लगा ही सकते हैं कितनी अच्छी वीडियोस एंड फोटोज ये कैप्चर करता है। देखिए कैमरास की बात करें तो उसमें मिलता है आपको ड्यूल 12 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम, वाइड एंड अल्ट्रा वाइड कैमरास, वाइड f1.6, अल्ट्रा वाइड f2.4, डिजिटल जूम आउट अप टू 5x एंड पोर्ट्रेट मोड, सिनेमैटिक मोड, नाइट मोड, ट्रू टोन फ्लैश, डिफ्यूजन, स्मार्ट HDR4 का सपोर्ट मिलता है। वन ऑफ द मेजर हाईलाइट है इसके कैमरास आईफोन 13 के। अगर एक कंक्लूजन की बात करूं तो सेल प्राइस के अंदर इसका प्राइस आता है 49,000 से लेस, तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो जाएगा, क्योंकि कह सकते हैं ये एक कंप्लीट फ़ोन है एंड कुछ होने नहीं वाला आईफोन्स को। उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर जैसे एंड्रॉयड फ़ोन से कंपेयर करें तो वो ईयर बाय ईयर उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती रहती है, बट आईफोन के साथ ऐसे कुछ इशू नहीं आता।
अगर इसका प्राइस इतना आता है तो आपको जरूर जाना चाहिए। आई विल श्योरली रिकमेंड, जस्ट गो फॉर इट।